हेलो, मैं एसके टेक्निकल खड़का जी आपको होनर 7X फोन के बारे में कुछ अच्छी जानकारी दूंगा। ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है और फुल HD फ़ोन है, और आप जिस तरह से आप इसकी डिस्प्ले देख रहे हैं, रेजोल्यूशन डिस्प्ले है 18:9 फुल डिस्प्ले है, और ये मॉडल भी इसका काफ़ी अच्छा है। और आपको मैं दिखाता हूँ इसकी, ये फ़ोन पतला भी बहुत है, और आपको ये दिखाता हूँ डिस्प्ले, इसकी डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है, और इसमें आपको डबल कैमरा और फिंगरप्रिंट भी मिलता है, और ये सेट देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। और मैं आपको बता दूं, इसमें साइड नीचे इसके स्पीकर नीचे है, और चार्जिंग पोर्ट भी नीचे है, और ऑडियो सॉन्ग जैक भी नीचे है, तो ये फ़ोन काफ़ी प्रीमियम लुक देता है, और ब्लू कलर में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके कुछ अच्छे अच्छे फीचर के इसके बारे में कि फ़ोन कैसा है और किस प्राइस में अमेजोन में मिल रहा है। ये 12,999, हम इसे बोल सकते हैं कि ये 13,000 में आपको ऑनलाइन फ़ोन मिल रहा है, बहुत ही अच्छा। तो मैं इस फ़ोन के बारे में आपको और भी डिस्क्रिप्शन में और भी बता रहा हूँ। तो जिस तरह से आप यहाँ देख रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूँगा, ये फ़ोन आप बोल सकते हो ये फ़ोन 6 इंच का है, डेफिनेटली यहाँ दिखा रखा है कि 5.93 इंच, मगर आप इसे 6 इंच का बोल सकते हो। तो इसका जो रेगुलेशन भी है वो भी काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले का रेगुलेशन काफ़ी अच्छा रेगुलेशन है इसका डिस्प्ले का। और जो इसमें कैमरा मिलता है आपको 16+2 मेगापिक्सल, जो 2 मेगापिक्सल है वो डेप्थ कैमरा है, जो पोर्ट्रेट मोड फ़ोटो खींचने में काफ़ी सहायता करता है। और फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का है, और ये एंड्रॉयड नोगेट 7.0 में काम करता है, और इसका जो EMUI है वो 5.1 ऑपरेटर सिस्टम में काम करता है 2.36 GHz में। और जो होनर 7X का अपना सॉफ्टवेयर किरण 6599 ऑक्टा कोर प्रोसेस है, और इसमें जो GPU लगा है Mali-T830 GPU लगा हुआ है, और 4 GB की रैम और 32 GB की इंटेल मेमोरी है, और आप इसमें 256 GB का मेमोरी कार्ड सपोर्ट लगा सकते हो। वैसे तो आपको मार्केट में 13,000 में और भी फ़ोन मिल जाएंगे, मगर मैं जो बोल रहा हूँ आपको जो पसंद आएगा आपको, तो आप इस फ़ोन को देख सकते हैं। इसके बारे में यूट्यूब में काफ़ी लोगों ने रिव्यू भी दिया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ इसके बारे में। इसमें 3340 mAh की बैटरी है, इसका बैटरी पिकअप भी बहुत ही अच्छा है, और मैंने काफ़ी रिसर्च करके बता रहा हूँ मैं आपको इसके बारे में। और ये फ़ोन बहुत ही अच्छा पूरे ब्रांड को सपोर्ट करता है, जितने भी सिम हैं हमारे इंडिया में, चाहे वो वोल्टी हो चाहे LTE हो। तो मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, और इसका ये सिर्फ 163 ग्राम का फ़ोन है, और ये ब्लू कलर में बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप ये फ़ोन परचेस करा सकते हो अमेजोन से। अमेजोन में यह फ़ोन आपको आसानी से मिल जाएगा, आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। ये 2 वेरिएंट में है, एक 64 GB वेरिएंट में भी है, इसे हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको 64 GB जो है वो 16,000 में पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से आप 32 GB लीजिए, और बहुत ही अच्छा फ़ोन है। और मैं आपको ओके